क्योंकि देखो, ये पहले इधर कुछ भी नहीं था। हम लोग 11 साल से हम लोग ये मैदान बनाया, आप लोगों को बैनर के ऊपर दिखेगा बिफोर एंड आफ्टर। 11 साल के पहले क्या था इधर और अभी क्या है। तो इतना हम लोग अच्छा माहौल बनाया, अच्छा मैदान किया है, इसके आगे नवी मुंबई में तो एक भी मैदान नहीं मिलेगा ऐसा। सब मैदान ऐसा अगर जाएगा तो हम लोग को नवी मुंबई खेलने का मैदान नहीं रहेगा। इसके लिए हमारा एक यह है कि यह मैदान बचना मांगता है। नहीं, हॉस्पिटल का भी जरूरत है, ऐसा मैदान का भी जरूरत है। हम लोगों का हॉस्पिटल को तो किधर विरोध है ही नहीं। हॉस्पिटल दैट इज अ गुड, एक अच्छा न्यूज है वो। हॉस्पिटल तो बनना ही मांगता है, लेकिन ये मैदान के बाजू में आपके जो बीच साइड है महापालिका का जो मेन हेड ऑफिस है उसके पीछे 9 एकड़ जगह खाली पड़ा है, और मैदान के राइट साइड में 4.5 एकड़ जगह है, और रेलवे ट्रैक के पीछे करीबन 20 एकड़ के ऊपर जगह खाली पड़ा है। तो उधर हम लोगों का कहने का मतलब क्या है कि मैदान जो है इधर बनने दो। एक बार मैदान जाएगा तो मैदान बनने वाला नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग टूटेगा तो उसके ऊपर बिल्डिंग बन सकता है, लेकिन मैदान टूटेगा तो मैदान के ऊपर मैदान नहीं बन सकता है। इसलिए हमारा स्थानीय एमएलए को रिक्वेस्ट है, हम लोग उसके अगेंस्ट है ही नहीं, हम लोग अगेंस्ट है वो सिडको के अगेंस्ट है, ताकि ये मैदान रहे। अगर मैदान नहीं रहेगा तो हम लोग किधर, हमारे हमारे तो उम्र हो गया अभी, हमारे बाल बच्चे आएगा, आने वाली पीढ़ी किधर खेलने वाले है। तो यही हमारे खेल रहा है। तो और अभी आज के दिन का तो आप लोग देखा है माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ है, हमारा पूरा कमेंट्री बन गया है, और बिना कमेंट्री क्रिकेट नहीं होता है। वो पुलिस, स्थानिक पुलिस लोगों के इसमें मार्फत हम लोग को दबाव आया है। इसलिए फिर भी हम लोग कुछ शांतता मार्ग से हम लोग ये आंदोलन चालू है हमारा। लीलाधर पाटिल, नवी मुंबई, 40+ सचिव सेक्रेटरी है मैं।